moving forward to the lecture, I would like to appreciate all those students who are watching my lectures and liking it. But I'm really sorry for not being consistent due to my busy schedule, and I will try my best, and your comments keeps me motivated. Thank you for your comments. Okay, let's begin the lecture. The first topic for today is Malan Pholia. Malan Pholia, ठीक है? तो मालिन फोलिया को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में. मालिन मीन्स ब्लैक, फोलिया मीन्स सफरा और येलो वाइट. ठीक है, तो मालिन फोलिया को जो है इसका मतलब क्या है? मालिन फोलिया किसी भी वजह से हो रही है, चाहे वो सफरा की वजह से हो, चाहे वो सौदा की वजह से हो, चाहे वो बर्न सफरा की वजह से हो, चाहे वो बर्न सौदा की वजह से, दोनों ही आखिर में क्या होते हैं? सौदा बन जाते हैं, यानी कि ब्लैक हो जाते हैं. ठीक है, तो मालिन फोलिया का जो मेन रीज़न होता है वो होता है ब्लैक हेल्थ या स्या हेल्थ. ठीक है, तो ये मालिन फोलिया का रीज़न होता है. तो इसका हम रीज़न देखेंगे तो यही मिलेगा. सॉरी, ये दिया है रीज़न यूनाबिल मासूया ने. ठीक है, ये मालन खुलिया एक ऐसी ऐसी बीमारी है जो किसकी वजह से होती है? स्याह खल्त की वजह से होती है, बेसिकली सौदा की वजह से. स्याह खल्त यानी सौदा. अगर वो सफरा भी है तो वो जला हुआ सफरा है, और जला हुआ सफरा जो है मुतहरिक सफरा, जला हुआ सफरा यानी कि मुतहरिक सफरा किस में बदल जाता है? सौदा में ही बदल जाता है, स्याह खल्त में बदल जाता है. अब हम पता है के जो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं स्याह खल्त के, सौदा के, क्या क्या होते हैं? जो इंसान रहता है वो कैसा रहता है? डर में रहता है, खौफ में रहता है, नेगेटिव पर्सपेक्टिव होता है लाइफ के लिए, बहुत ही ज़्यादा इरेशनल बातें करता है, फिक्रमंद रहता है, फिक्रमंद रहेगा, और जो है बहुत ही ज़्यादा अकेला पसंद रहना पसंद करेगा, और कैसा रहेगा कि दुनिया से अलग होने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ऐसा लगेगा उसे बिल्कुल उससे सेपरेट होना, और हमेशा अपोज करेगा हर चीज़ों को. तो इस तरीके का क्या है? सौदा भी खल्त के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर रहते हैं. खौफ में रहेगा, डर में रहेगा, नेगेटिव रहेगा, फिक्रमंद रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा लाइफ को लेके उसके उस पर्सन के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं? ख़राब होते हैं. तो इसका मतलब ये है कि अगर मालिन फोलिया किसी को हुआ है, अगर उसका अगर उसके दिमाग में जो है कौन सी खिल्त? ब्लैक स्याह खिल्त जो है एक्यूमुलेट हो गई है. अगर स्याह खिल्त एक्यूमुलेट हो गई तो ऑब्वियसली क्या होगा? यही सारे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, है ना? यही सारे सिम्टम्स जब देखने को मिलेंगे तो फिर क्या होगा? वो इंसान क्या होगा, कैसे क्या कहलाएगा? उसका फिक्रमंदी उसकी बढ़ जाएगी, वो सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा, सीवियर डिप्रेशन में चला जाएगा, अकेला रहना पसंद करेगा, सारी चीज़ें होंगी. और रीज़न क्या है? मुतहरिक सफरा या मुतहरिक सौदा, और जो कि क्या बनाए? स्याह खिल्त बनाए, या स्याह हमारे पास ब्लैक ब्लैक ह्यूमर या ब्लैक खिल्त बनाए. अब जल्दी से इसके पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, इसमें बस इतना ही है. ठीक है, तो मालिन फोलिया जो होता है वो मालिन फोलिया से बना होता है. इसके लगवी मायने जो होते हैं स्याह खिल्त के होते हैं. यूना बिन मासूया ने के नज़दीक जो होता है ये डर व खौफ होता है. यूना बिन मासूया फर्स्ट. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्कॉलर्स के नाम आएंगे. यूना बिन मासूया पहले स्कॉलर हैं इसके अंदर, जिनको बोलते हैं डर व खौफ. डर व खौफ किस वजह से? स्याह खल्त की वजह से. ठीक है, अब ये मालिन फोलिया इसको अर्ज अर्ज यानी कि जो उसका साइन है, जो मालिन फोलिया जो होता है इसका जो नाम पड़ा है वो इसके जो साइंस आते हैं अर्ज होते हैं. ठीक है, इसके सिम्टम्स के ऊपर बेस के ऊपर रखा हुआ है, सिम्टम्स के बेस पे रखा हुआ है, इसी वजह से उसको मालिन फोलिया कहते हैं. ठीक है, क्योंकि बिन मासूया ने कहा कि इसके अंदर डर व खौफ होगा, इसी वजह से इसको क्या कहेंगे? मालिन फोलिया. सिंपल. ठीक है, अब क्या है इसके अंदर सेकंड पॉइंट? सेकंड पॉइंट क्या है?
मालिनफुलिया के अंदर क्या होगा, मरीज का फिक्र और गुमान बिगड़ जाएगा, वो हमेशा खौफ में रहेगा। ये तो हमें पता है, अंदर क्या होगा, मरीज का गुमान बिगड़ जाएगा, फिक्र बिगड़ जाएगा, खौफ में रहेगा। इसका सबब क्या होता है, मुताखरीन के नज़दीक जो होता है ना मालूम है, मतलब अननोन है, पर मुताकदमीन एंशंट जो स्कॉलर्स रहेंगे, गलबाए सौदा, गलबाए सौदा किस वजह से होगा, बर्नड सफरा प्लस बर्नड बर्नड सौदा, ठीक है, मुतहरिक सौदा एंड मुतहरिक सफरा जो दिमागी रूह को खुश्क कर देते हैं। ऑब्वियसली सौदा क्या होता है और सफरा दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश्क होते हैं, दोनों खिलत हैं, और दिमाग ऑब्वियसली दिमाग में जब ये एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो दिमाग में क्या हो जाएगी, खुश्की, ड्राईनेस हो जाएगी, ठीक है। ये किन लोगों को होगा, जो लोग ऑब्वियसली सौदावी खिलत के लोग जो होते हैं बहुत ही ओवर थिंकर होते हैं, ठीक है। तो ये किन लोगों को होगा, जो दिमागी मेहनत ज़्यादा करते हैं, जो कहते हैं ना कि दिमागी मेहनत, कुछ कहते हैं ना कि कोई बहुत ज़्यादा दिन रात पढ़ता रहता है पढ़ता रहता है, साइंटिस्ट जो होते हैं वो जो होते हैं पढ़ पढ़ के सोच सोच के जो होते हैं वो जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाते हैं। क्यों पागल हो जाते हैं, क्योंकि वो मालन खुलिया के पेशेंट हो जाते हैं। रूफस के नज़दीक ये अक्सर किसको होता है, फ़लासफ़ी व हुक्मा लोगों को होता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्या है, किन लोगों को होता है, फ़लासफ़ी व हुक्मा लोगों को, और किसने कहा, रूफस ने। यूना बिन मसूया ने कहा कि डर व खौफ के मायने, रूफस ने कहा कि ये जो है फ़लासफ़ी लोगों को, रूफस ने बोला किनको होता है, यूना बिन मसूया ने बोला कि इसमें जो होता है डर व खौफ होता है, और अर्ज के बेस पे इसका नाम रखा गया। उसके बाद जो है इसकी अलामत खास ये है कि इंसान जो है तन्हाई, अकेले रहना पसंद करेगा। अलामत क्या है इसकी, तन्हाई पसंद करेगा, फिक्रमंद हो जाएगा, खौफज़दा रहेगा, और लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा, लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देगा। और ये जैसे कि किसको हुआ था, दो लोगों को, यहाँ पे फाराबी और ईसा बिन मासूया, इन लोगों को ये हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है, ये चार पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, बर्न सफरा व सौदा की वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, बासलिक व इकल की फसद खोलेंगे, वही हफ्तंदाम की फसद खोलेंगे और तनूरे बदन की फसद खोलेंगे। इसके बारे में हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, उसको जाके देख लो अगर नहीं देखा है तो। उसके अलावा अगर ये बंदिश खून की वजह से होगा तो साफिन की फसद खोलेंगे, सिफिनस वेन, अगर किस वजह से वो बंद होगा, बंदिश खून की वजह से होगा तो सिफेनस वेन को की फसल कर। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूना बिन मासूए ने कहा कि डर व खौफ के मायने होते हैं, होता किस वजह से होता है, ये जो होता है इसके मायने, मायने है सियाखिल, सियाखिल यानी मालिन मतलब ब्लैक और खोलिया मतलब कोलिया यानी कि सफरा, ठीक है। तो ये क्या होता है, बर्न सौदा, बर्न सफरा की वजह से होता है, गलबाए सौदा हो जाता है, जिसकी वजह से डर व खौफ में इंसान रहता है। यूना बिन मासूया, ईसा बिन मासूया और फराबी को ये हुआ था। और इसके अलावा जो है इंसान, रूफस ने कहा कि अक्सर ये किसको, फलासफी और लोगों को होता है। और इसके अलावा ये जो है इकल की फसल और बासलिक की फसल खोलेंगे। और इस टॉपिक में बस इतना ही था, नेक्स्ट हम वी आर गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स मालन खुलिया मिराकी, ठीक है, मालन खुलिया मिराकी नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। सेकेंड टॉपिक है मालन खुलिया, मालन खुलिया मिराकी। मिराक किसको बोलते हैं, पेरिटोनियम को, ठीक है, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि जो मालन खुलिया किससे शुरू हो, मिराक से, पेरिटोनियम से स्टार्ट हो, उसको बोलते हैं मालन खुलिया, खुलिया मिराकी, मालन खुलिया मिराकी, उसको क्या कहते हैं, मालन खुलिया मिराकी। अब क्या है, देखो हमें आजकल बहुत ज्यादा स्टडीज चल रही हैं जिसके अंदर जो है ये बताया जा रहा है गट और ब्रेन का बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है ना, ये तो क्लियर है। तो मालन खुलिया मिराकी में भी क्या है, गट और ब्रेन का रिलेशनशिप है। किस तरीके से, इसमें क्या होता है मालन खुलिया मिराकी में, देखो अगर मान लो किसी वजह से, कोई भी रीजन हो जिसकी वजह से क्या हो जाए, अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, वो किसके अंदर रह जाए, मैदा के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा हो, या पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो है मैदा के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, जब वो मैदा के अंदर एक्यूमुलेट हो रखा होगा तो ऑब्वियसली उसकी वजह से क्या होगा, एक तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन होगा,
है ना, ऑब्स्ट्रक्शन होगा या उसकी वजह से क्या होगा बहुत ज्यादा टाइप के वेपर्स बनेंगे, क्या होगा, अनडाइजेस्टेड फूड होगा, अनडाइजेस्टेड फूड, उसकी वजह से क्या होगा, किसके अंदर, मैदा के अंदर, स्टमक के अंदर, इंटेस्टीन के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, वेपर्स बनेंगे, वेपर्स यानी बुखारात बनेंगे, बुखारात बनेंगे तो क्या होगा, फिर बुखारात बनेंगे तो ये वेपर्स जो है एक तरीके का क्या करेंगे, और ये वेपर्स किस तरीके होंगे, बैड क्वालिटी के होंगे, ठीक है, ये वेपर्स क्या रिलीज करेंगे, अब हीट, ठीक है, तो क्या होगा उससे क्या होगा, हीट प्रोडक्शन होगा, और ये हीट या फिर ये वेपर्स कहाँ चले जाते हैं, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं, जब ये ब्रेन तक पहुंचेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मालन खुलिया हो जाएगा, दिमाग में मालन खुलिया हो जाएगा, या फिर ये होगा कि उस इंसान को बहुत ज्यादा फॉल्स परसेप्शंस होने लगेंगे, या फिर वो जो इंसान है फॉल्स परसेप्शन होने लगेंगे, या फिर वो इंसान किस तरीके की बातें करेगा, इरेशनल बातें करने लगेगा, उसके अंदर सैडनेस होगी, उसके अंदर सोरो होगा, वो अकेला रहना चाहेगा, और जो भी सौदावी खल्त के सिम्टम्स होते हैं सारे के सारे वो उसके अंदर, वो उसके अंदर क्या होंगे, वो नजर आएंगे। सिंपल सी बात है, खाना था, वो खाना जो बहुत लंबे टाइम तक पड़ा रहा, डाइजेस्ट नहीं हुआ, और उसकी वजह से क्या हुआ, गंदे टाइप के वेपर्स बनने लगे, वो वेपर्स जो होंगे उसकी वजह से हीट प्रोडक्शन होगी, वो हीट प्रोडक्शन या वो वेपर्स जो है दिमाग तक पहुंचेगा, और दिमाग में क्या हो जाएगा, मालन खुलिया हो जाएगा, वो इंसान दिमागी मरीज बन जाएगा, उसको क्या हो जाएगा, मालन खुलिया मिराकी हो जाएगा। ये तो इसका क्या था, कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब इसके, ये इसका कॉन्सेप्ट था, तो इसके रीजन क्या होगा, रीजन पढ़ने के लिए अब इस सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट है मालिन खुलिया मिराकी, मिराकी यानी कि किससे शुरू होगा, पेरिटोनियम से रिलीज शुरू होगा, ठीक है, मालिन खुलिया वो मर्ज है जो सौदावी खल्त मिराक, जिसमें जो होता है सौदावी खल्त मिराक, मिराक यानी एक तरीके की झिल्ली जो गशा को, जो आशा को अस्तर करके रखती है, उसके अंदर जमा हो जाती है, जिससे मिराक यानी शिकम फूल जाता है, मिराक या शिकम या एब्डोमन, ठीक है, एक्चुअली मिराक हम बोलेंगे यहाँ पे एब्डोमन को, ठीक है, शिकम जो होगा वो फूल जाता है, सिंपल सी बात है, इसके अंदर फूलेगा क्यों, क्योंकि क्या है, बैड वेपर्स एक्यूमुलेटेड है, इसलिए शिकम फूल जाएगा, और सिंपल सिंपल सी बात है, और ये किस वजह से हो रहे हैं, सौदावी खल्त की वजह से हो रहे हैं। अब सौदावी खल्त की वजह से क्यों हो रहे हैं, एक चीज़ और इसमें बता दूँ कि यहाँ पे मैंने बताया है कि मालन खुलिया मिराकी स्टार्ट कैसे होता है, पार्शली और अनडाइजेस्टेड फूड से होता है ना, तो ये जो अनडाइजेस्टेड फूड या पार्शली डाइजेस्टेड फूड है, ये क्या करेगा, बर्न सफरा या बर्न सौदा, ठीक है, जो भी हो सकता है, जलावा सफरा, बर्न सफरा या सौदा, ठीक है, उससे क्या होगा, बर्न सौदा, उससे दोनों से क्या बनेगा, सौदा बनेगा, ठीक है, तो ये जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है ये सौदा को या सफरा को जला देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, सौदावी खल्त बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाती है, और यही सौदावी खल्त क्या करेगी, बैड क्वालिटी के वेपर्स बनाएगी और हीट का प्रोडक्शन करेगी, क्योंकि हमें पता है कि उससे बहुत ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा, सिंपल सी बात है, तो खल्त कौन सी होगी, अगेन मालन खुलिया है, तो यहाँ पे सौदावी खल्त होगी, और ये सौदावी खल्त किसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, मेराक के अंदर इकट्ठी हो जाती है, शिकम के अंदर इकट्ठी हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत गंदे तरीके के वेपर्स इकट्ठे होंगे, ऑब्वियसली स्टमक में खाना पड़ा हुआ है तो उससे गंदे टाइप के वेपर्स, गंदे टाइप के बुखारात बनेंगे, जिसकी वजह से शिकम फूल भी जाएगा, और जो होगा मालन खुलिया वो जो वेपर्स है वो दिमाग तक भी चढ़ जाएंगे, दिमाग तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से दिमाग पे भी उसका असर होगा। रीजन क्या है, अगेन बर्न सफरा या सौदा, जिसकी वजह से सौदावी खल्त बनती है, ठीक है, दूसरा रीजन क्या हो सकता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा रीजन यही है कि मैदा का जो रास्ता है, ठीक है, या अमा का रास्ता है, उसमें वर्म हो जाए,
जिसकी वजह से गिजा जो है वो बहुत ज्यादा देर तक जो है तबई हालत से ज्यादा देर तक जो है उसमें पड़ी रहे। और ये किसने बोला है? देवकलूस ने। ठीक है, तो ये देवकलूस ने बोला कि सुद्धे किसके अंदर हो जाए, वरम हो जाए, सॉरी वरम हो जाए, मैदा से जो हमारा ग्रासा मिलता है, यानी कि पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है जो स्टमक से इंटेस्टीन में मिलता है, वहां पे क्या हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए या वहां पे वरम हो जाए। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेशन हो जाएगी या वरम हो जाएगा तो खाना जो होगा वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, और जब डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा तो वो क्या रहेगा, ज्यादा टाइम तक उसके अंदर पड़ा रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा, गंदे सिंपल है कि हमारा जो सौदा है सफरा है जल जाएगा, और बहुत गलत टाइप के बुखारात, गंदी क्वालिटी के बुखारात बनेंगे, जिसकी वजह से मालन खुलिया मिराकी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा शेख, ठीक है, ये तो देवकलूस, ये शेख, शेख ने कहा है कि इसका जो सबब होता है वो होता है मासारी का कसुद्दा। ठीक है, अब अलग अलग कॉज दिए हैं। पहला कॉज दिया देवकलूस ने, देवकलूस ने बहुत ही जो ऑथेंटिक कॉज है जिसको माना जाता है, जो रीजन वो दिया कि सिंपल सी बात है, जो रास्ता जो वर्म हो जाएगा, ठीक है, वर्म होने की वजह से क्या होगा, खाना पड़ा रहेगा, अनडाइजेस्ट फूड होगा, उसकी वजह से क्या होगा, सफरा सौदा जो है वो जल जाएगा। उसके बाद आते हैं, शेख ने बोला कि मासारिका, मासारिका यानी कि मिजेंट्री, मिजेंट्री जो होती है, मिजेंट्री में सुद्धे पड़ जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, जब मिजेंट्री में ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, सुद्धे पड़ जाएंगे, तो उसकी वजह से भी वही सेम होगा कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, और फिर वही है मेन तो यही है, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, उसकी वजह से ये सारी चीज होगी। लेकिन अब शेख ने बोला है कि मासारिका में सुद्धे होते हैं, मिजेंट्री में सुद्धे होते हैं, देवकलूस ने बोला है कि रास्ते में सुद्धे होते हैं, और बुकरात ने बोला है, बुकरात और जालेनुस ने बोला है कि मैदा का वर्म फलकमुनी, मैदा का जो वर्म फलकमुनी है, यानी कि फलकमुनी यानी कि जो दम की, खालिस दम की वजह से हो, मैदा में जो वर्म, मैदा में वर्म, खालिस मैदा में दम भी वर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये किसने, बुकरात और जालेनुस ने बोला। बुकरात जालेनुस जो है दोनों एक जैसे मुझे लगते हैं, तो इन दोनों ने क्या बोला है, सेम इन्होंने बोला कि क्या है, मैदा का गरम फलगुमोनी। उसके बाद जो है एक आ गया बोलस, बोलस ने कहा माले खुलिया मेराकी का सबब ये है कि मेराक में गरम वरम हो जाए, मेराक, मेराक यानी एब्डोमन यानी कि पेरिटोनियम में ही गरम वरम हो जाए। ठीक है, एक ये रीजन हो गया। उसके बाद जो है ये सारी चीजें हैं, चार कॉज बता दिए। देवकलूस ने क्या बोला कि वरम हो जाएगा रास्ते में। ठीक है, शेख ने बोला सुद्धे हो जाएंगे, किसके अंदर, मासारिका के अंदर। बकरात जालेनुस ने बोला कि मैदा का वरम फलगमोनी, और हमारे पास जो लास्ट है बोलस ने बोला कि मिराक में गरम वरम हो जाए, और ये इसको याद रखो। ठीक है, उसके बाद जो है अक्सर मालिक जो होता है ये किसके को मिलता है, बवासीर, पाइल्स के पेशेंट को, पाइल्स के पेशेंट को मिलता है मालिन खुलिया, पाइल्स के पेशेंट को, क्योंकि वर्म गर्म वर्म है। ठीक है, जब गर्म वर्म होगा तो ऑब्वियसली वो जो पेशेंट होगा उसको पाइल्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे, या वो उसको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, पाइल्स होगा कॉन्स्टिपेशन रहेगा, तो क्या होगा, अमा में जो रास्ता है वो बंद हो गया। ठीक है, रास्ता बंद हो गया तो वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे तो फिर क्या होगा, हीट प्रोडक्शन, और वो बुखारा जो है दिमाग तो चढ़ जाएंगे, माले खुलिया होगा, तो पाइल्स के पेशेंट को मिलता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन। उन पेशेंट को क्या होगा, तुर्श, डकारे आती हैं, थूक की ज्यादती होती है, थूक ज्यादा बनता है, ब्राज नर्म होता है, जीको सदर सदर जो है, चेस्ट जो है वो छोटा हो जाता है, और जो होता है इसराबुल कल्ब के पेशेंट को मिलता है ये, तो शो खट्टी डकारे याद रखो। लेकिन इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि एक तरीके का असबी को मर्ज है। ठीक है, और लास्ट है कि मेल्स के अंदर जो होता है ये, फीमेल्स में हिस्टीरिया होता है, इख्तनाकुल रहम, हिस्टीरिया, हिस्टीरिया या इख्तनाकुल रहम, वो भी एक तरीके का जो है फीमेल्स के अंदर होता है, ये भी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मेल्स के अंदर इसको जो है इक्वल किया जाता है, किसको, मालिन खुलिया मिराकी मेल्स के अंदर होता है, फीमेल्स के अंदर वैसे ही इख्तनाकुल रहम होता है, इख्तनाकुल रहम हिस्टीरिया होता है, तो ये फीमेल्स के इख्तनाकुल रहम के बराबर रखा गया है। और एक लास्ट पॉइंट इसका ये है, सिराबियन का मानना है कि मर्ज इब्तिदा में मिराक से स्टार्ट होता है, और इसी वजह से इसको जो है मालिन खुलिया मिराकी कहा जाता है, ये सिराबियन ने कहा है। यूनाबिन
सराबियून के नज़दीक मालन फुलिया मिराकी इल्लतुल नाफ़खा जो होता है पेट फुलाने वाला मर्ज़ है, ये जो होता है इल्लतुल नाफ़खा नाफ़खा नाफ़खा, इसके जो दिन अलग अलग नाम है ये इसके सिनोनिम हैं, इल्लतुल नाफ़खा पहला ये सिनोनिम है, दूसरा है शार सूफिया, ठीक है, ये इसका जो है सिनोनिम है, या इसको बोलते हैं साइको न्यूरोसिस, साइको न्यूरोसिस, ठीक है, साइको न्यूरोसिस, शार सूफिया, इल्लतुल नाफ़खा, इल्लतुल नाफ़खा, नाफ़खा नफ़ख, नफ़ख से बना है फुलाने वाला, नाफ़खा नाफ़खा यानी नफ़ख से बना है, नफ़ख, ठीक है, नफ़ख कहते हैं फुलाने वाला, ठीक है। ये किसने बोला? यूना बिन सराबियून ने बोला कि जो है ये इल्लतुल नाफ़खा पेट फुलाने वाला मर्ज़ भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा इसको शार सूफिया और जो है साइको न्यूरोसिस या मलन खुलिया मिराकी या मिराक, या फिर ये, या फिर इसको क्या बोला जाता है, या इसको नफ़ख मिराकी भी बोलते हैं, नफ़ख मिराकी, ठीक है, ये सब इसको बोलते। तो ये सारे 6 पॉइंट इसके अंदर थे। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स इसके अंदर थे, ये सब चीज़ें थी। अब नेक्स्ट है कुतरब। ओके, मालन खुलिया मिराकी जो होता है इसको बोलते हैं मालन खुलिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ गट और पेरिटोनियम, मालन खुलिया विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरिटोनियम और गट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कुतरुब। कुतरुब जो होता है इसको हम बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है इल्लतुल जीब, या फिर इसको बोलते हैं जुनून जीबी, जुनून जीबी, या इसको बोलते हैं इल्लतुल जीब। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इल्लतुल जीब, जी इसका मतलब क्या है। देखो कि जो कुतरुब होता है चार शेख का कॉल है, शरीफ इदरीस का कॉल है, उसके बाद जो है अलग 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 कॉल हैं जिसमें से हमें याद करने हैं। देखो सबसे पहले शेख, शेख ने क्या कहा, इब्न सीना ने बोला है कि कुतरुब के जो मायने होते हैं, कुतरुब जो होता है कीड़ा होता है एक तरीके का, पानी में जो होता है, पानी में जो कीड़ा होता है उसको बोलते हैं कुतरुब, पानी के कीड़े, ठीक है, जो ये पानी के कीड़े होते हैं कभी जो होते हैं पानी की सतह पे रहते हैं, कभी छुप जाते हैं। इसी तरीके से जो होता है, जो कुतरुब का मरीज होता है कभी छुपता है पानी के कीड़े जो होते हैं कभी सतह पर रहेंगे, कभी छुप जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये पेशेंट भी जो होता है कभी आ जाता है, कभी निकल सामने आ जाता है, कभी छुप जाता है। तो इसी तरीके से जो पेशेंट होता है उसको इस जो इसकी वजह तस्मिया की गई है, इसका जो नाम दिया गया है इसको कुतरुब दिया गया है, क्योंकि कुतरुब जो होता है उन कीड़ों को कहते हैं जो पानी के कीड़े होते हैं, जो कभी दिखते हैं कभी छुपते हैं। ये तो शेख ने बोला है कीड़ों का। दूसरा जो है शरीफ इदरीसी, शरीफ इदरीसी कहते हैं कि ये जो होता है जुगनू की तरह होता है, जुगनू की तरह होता है कुतरुब का जो मरीज होता है, एक जुगनू की तरह होता है। जुगनू जो होता है रात को दिखता है और दिन में जो होता है छिपता है, ठीक है, इस तरीके से पता है जुगनू रात में ही नजर आता है। तो ये मालन खुलिया का सॉरी कुतरुब का जो पेशेंट होता है ये भी रात को नमूदार होता है और दिन में जो होता है छुप जाता है। तो इसको जुगनू के शरीफ इदरीसी ने इनको इसको जुगनू कहा है, और हम शेख ने इसको पानी के कीड़े कहा है, ठीक है। कुछ लोगों का कहना है ये सुआली, सुआली का नाम दिया गया है क्योंकि इसका इसका मरीज जो होता है रात को निकलता है। कुछ लोगों ने इसको सुआली कहा है, ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट इसके अंदर है कुछ लोगों ने इसको बोला है, बाज लोगों ने इसको जीव
अमात, जीव अमात, ठीक है, जीव अमात कहा है, जीव अमात का है, तो ये क्या है, इसका मतलब होता है जीव, जीव अमात का मतलब बाल गिरे, बाल गिरे हुए भेड़िए को बोलते हैं। ठीक है, तो बाल गिरे हुए भेड़िया को बोलते हैं जीवामा। तो कुछ लोगों ने इसको बाल गिरे हुए भेड़िए के मानिंद रखा गया है, क्योंकि ये जो भेड़िया होता है वो जंगल में जो है चारों चारों पैरों से चलता है। ठीक है, ये क्लियर है। और एक वो क्या करता है, जो भी उसको नजर आता है उसका उस पर जो होता है उस पर हमला कर देता है। और क्या करता है, ये भेड़िया एक अलग तरीके की आवाज निकालता है, इसी तरीके से जो कुतुब का पेशेंट होता है वो भी भेड़िया की तरह आवाजें निकालता है, चारों पैरों दोनों हाथों और पैरों से जो है जंगलों में कभी इधर उधर घूमता रहता है। तो कुछ लोगों ने, बाज लोगों ने इसको जीबुल अमात कहा है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, नफीस ने ये दी है बात, ठीक है, नफीस ने ये कहा है। शेख ने क्या कहा, कुतरुक कहा, पानी के कीड़े। शरीफ इदरीसी ने क्या कहा, जुगनू कहा। कुछ लोगों ने इसे सुअली कहा है, क्योंकि वो भी रात को निकलते हैं। और फिर जो है कुछ लोगों ने जीबुल अमात कहा है, बाल गिरे हुए भेड़िए के माने, क्योंकि भेड़िए के पास तो बाल होते हैं पर इसके मरीज के पास ऊपर बाल नहीं होता, पर ये भेड़िए की तरह भौंकता है और भेड़िए की तरह आवाज निकालता है और भेड़िए की तरह ही चारों हाथ पैरों से जंगलों में घूमता है। तो इसलिए इसको जीबुल अमात भी बोला जाता है। और ये किसने दिया है, नफीस ने दिया है। चलो अब इसके डिस्कस कर लेते हैं पॉइंट्स, क्या होता है इसके अंदर। मैंने क्या बताया कि इसकी वजह तस्मिया, वजह तस्मिया में सबसे पहले शेख ने बोला, शेख ने क्या बोला, इसे कीड़े, छोटे छोटे पानी के कीड़े होते हैं जो पानी की सतह पर जल्दी जल्दी तैरते हैं और कभी नमूदार होते हैं कभी छुपते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट है, शरीफ इदरीसी का कॉल है कि जुगनू कहते हैं इसको, क्योंकि जुगनू जो होता है, जुगनू के मानिंद रात को नमूदार होता है। ठीक है, इसलिए इसको इसे कुतरुक कहते हैं। बाज लोगों ने इसको सुअली कहा है, क्योंकि ये जो होता है सुअली के माने जो होता है रात को निकलता है। और बाज का कहना है कि कुतरुक जो होता है जीबुल अमात यानी बाल गिरे हुए भेड़िए के को कहते हैं, क्योंकि ये मरीज जो होता है भेड़िए के माने जो होता है जंगलों में चारों हाथ पैरों से चलता रहता है और जो होता है भौंकता है भेड़िए की तरह आवाज निकालता है और दूसरों पर हमला करता है, ये नफीस ने कहा। अब इसका सबब, इसका जो सबब होता है, इसका जो सबब होता है वो होता है सफरा और सौदा जो जमा हो जाता है। सफरा और सौदा जब जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं सेम इसका बिकॉज क्या होगा, सफरा प्लस सौदा। ठीक है, और मेन जो होगा इसका रीजन होगा बर्न्ड सफरा, सफरा जो जल गया, जब सफरा जल जाता है या जो होता है तो वो भी सौदा बन जाता है, तो इसका कॉज भी सेम वही होगा बर्न, जब बर्न इसका रीजन भी से तो इसका रीजन भी से सेम ही होगा बर्न यानी मुतहरिक सफरा। ठीक है, क्योंकि सौदा बन चुका है तो इसका सबब कुदरत का वही होगा मुतहरक सफरा। ये इसका इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मुतहरक सफरा इसका जो है रीजन होगा। अब इसकी अलामत, अलामत में क्या होगा ये कि किस तरीके का है, सेम वही क्या क्या होगा, पहले उसमें बता देती हूँ कि येलोइश डिस्कलरेशन होगी, ऑब्वियसली कि सफरा इसका कौन सा है, तो येलोइश डिस्कलरेशन होगी, पीला पीला सा होगा। ठीक है, उसके अलावा क्या होगा, वॉयलेंट बिहेवियर होगा। ठीक है, इसके अलावा जो होगा, अब वो चारों हाथ पैरों से जब चल रहा है जंगलों में घूम रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉन हीलिंग अल्सर्स मिलेंगे, नॉन हीलिंग अल्सर्स ऑन काफ मसल। ठीक है, काफ मसल पे कैसे अल्सर मिलेंगे, नॉन हीलिंग अल्सर इसके अंदर मिलेंगे। अच्छा, ये इसका रीजन होगा। प्लस एक और चीज इसके अंदर क्या मिलेगी, कुदरत के अंदर इसको क्या बोलते हैं हम, लाइकेन थ्रोपी, लोगों को क्या होगा, जो भी दिखेगा उस पर हमला कर देगा, लाइकेन थ्रोपी भी इसको बोलते हैं, तो ये कुदरत का होगा। तो चेहरे पर जो होगा सख्त तुश रुए होंगे, मरीज जो होगा कभी आगे कभी पीछे चलेगा, रात को नमूदार होगा। और ये इसका एक और है कि ये रात को कब्रों पे रहता है, सॉरी रात को निकलता है और दिन में कब्रिस्तान में रहता है, डे टाइम ग्रेवयार्ड, और रात में ये
दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, पिंडियों पर जख्म होंगे, काफ मसल पर जो होंगे जख्म होंगे, जो नॉन हीलिंग होंगे, जो भरे नहीं जा सकते, ये इसके होंगे, ये सारी चीज़ के अंदर मिलेगी। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जो ट्रीटमेंट करते हैं, इसका मेन ट्रीटमेंट है, इसके अंदर देते हैं जोशाना अफ्तीमून, ठीक है। इससे जोशाना अफ्तीमून से, अफ्तीमून क्या करता है, सफरा का मुसहिल होता है, सफरा को का इसहाल करा देता है, ये एक तरीके का जोशाना अफ्तीमून क्या होता है, मुसहिल होता है। जोशाना अफ्तीमून क्या है, मुसहिल है, इसहाल कराएगा, किसका, सफरा का। तो इसका रीजन, इसका क्या है मेन ट्रीटमेंट, जोशाना अफ्तीमून। और इसके अलावा क्या है, ये जो हमारे पास मालन खुलिया मिराकी था, इसका जो है अगर देंगे तो हम मतबूख अफ्ती मून, इसका ट्रीटमेंट है मतबूख अफ्ती मून, ठीक है। ये क्लियर है ना। तो दिन में क्या रहेगा, ये आइसोलेशन में रहना पसंद करेगा, इसलिए दिन में ग्रेवयार्ड्स पे रहेगा, और रात के टाइम ये आ जाएगा, इरिटेटिव होगा, पेल होगा, पीला पीला, और जो भी दिखेगा उस पर अटैक करेगा, कुत्तों की तरह आवाज़ें निकालेगा, और ये सारा इसके अंदर होता है। इसको क्या क्या मैंने बताया है, शेख ने बोला है कीड़े, और शरीफ इदरीसी ने बोला है जुगनू, और कुछ लोगों ने इसको जीबुल अमाद कहा है, बाल गिले गिरे हुए भेड़िए, और जो है कुछ लोगों ने इसको सोहाली कहा है, और इसका सबब है बर्न सफरा मुतहरिक सफरा, इसका सबब है, इसका कॉज है, इसमें जो शानदार अफ्तीमून देते हैं। तो ये था कुतरुब तक, आज का टॉपिक कवर करा है हमने, और नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके नेक्स्ट पेज, इसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मानिया व दाउल कल्ब।